स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और जो यहां बच्चे आए हुए हैं, आपका भी यहां बहुत बहुत स्वागत। कुछ महीनों पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, कन्याकुमारी से कश्मीर, 3,700 किलोमीटर लंबी यात्रा। यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान में जो नफरत, हिंसा और डर फैलाया जा रहा है, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ खड़ा होना और एक दूसरा रास्ता, मोहब्बत का रास्ता, भाईचारे का रास्ता, प्यार का रास्ता देश को दिखाने का था। मैंने भाषण में पहले कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोल रहे हैं। और सिर्फ ये यात्रा नहीं खोल रही है, लाखों करोड़ों लोगों ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। आप इस यात्रा को देखिए, इसमें आपको कहीं भी नफरत नहीं दिखेगी। कोई गिरता है, किसी को चोट लगती है, सब लोग एकदम मदद करते हैं, पानी पिलाते हैं, पट्टी लगाते हैं, दवा देते हैं। कोई ये नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम करते क्या हो, ऐसे सवाल कोई नहीं पूछता, एकदम सारे के सारे लोग मदद करते हैं। यही है हिंदुस्तान का इतिहास, यही है पंजाब का इतिहास, पंजाब का कल्चर। और ये आपके महापुरुषों ने, गुरु नानक जी ने सिर्फ देश को नहीं पूरी दुनिया को दिखाया है। इस देश में, इस प्रदेश में हिंसा, नफरत, डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, इज्जत का देश है। दिल्ली की सरकार डर फैलाती है। ये लुधियाना जो है, किसी ने आज मुझे कहा ये मैनचेस्टर जैसा है। मैं सोच रहा था ये गलत बोला है, मैनचेस्टर लुधियाना जैसा है। और बात समझिए, मैनचेस्टर का भविष्य नहीं है, मगर लुधियाना का जरूर भविष्य है। मगर लुधियाना को चोट कैसे लगी, किसने लगाई? प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, और दिल्ली की सरकार सारा का सारा काम दो तीन बड़े उद्योगपतियों के लिए करती है। जो सपोर्ट स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को मिलनी चाहिए, जो मदद आपको मिलनी चाहिए, जो बैंक का सहारा आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलता है, और उल्टा आपके ऊपर आक्रमण किया जाता है। नोटबंदी और गलत जीएसटी पॉलिसियां नहीं है, नोटबंदी और गलत जीएसटी छोटे बिजनेसेस को, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को खत्म करने के हथियार है, यह सच्चाई है। दूसरी सच्चाई, हिंदुस्तान के अरबपति इस देश को रोजगार नहीं दे सकते। लुधियाना के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस इस देश को रोजगार दे सकते हैं, अगर इनको मजबूत किया जाए, अगर इनकी मदद किया जाए, तो लुधियाना चाइना का मुकाबला कर सकता है। यह सच्चाई है, मगर आपकी कोई मदद नहीं करता है। कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है,
उल्टी सीधी बातें की जाती हैं, चाहे पंजाब की सरकार हो चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो। तो इस यात्रा ने हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया और आप सब लोगों ने हमारी मदद कीजिए करी। देखिए कितनी भीड़ है, कितने प्यार से आपने हमारा समर्थन किया, कितनी शक्ति आपने हमें दी, इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इस यात्रा में हमें थकान नहीं होती है क्योंकि आप लोग हमारी मदद करते हो। अंत में लोहड़ी की मुबारक, आप सबको बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।